पहुंचकर एमएलसी उम्मीदवार के पक्ष में मांगा वोट। वह जिला के इमामगंज प्रखंड के नीलांचल होटल में एनडीए एमएलसी प्रत्याशी मनोरमा देवी के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह, लघु सिंचाई मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, गया सांसद विजय कुमार मांझी ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वोट मांगा। वहीं मंच से एनडीए एमएलसी उम्मीदवार मनोरमा देवी पति स्वर्गीय बिंदी यादव ने कहा कि जब हम सुखी थे हमारे पति आप लोगों के बीच हर सुख दुख में शामिल होते थे और आपकी हमेशा चिंता करते थे। आज मैं अकेली हूं, अगर आप सच में चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो तो आप जिस प्रकार पहले मदद किया करते थे उसी प्रकार आज हमारी मदद करें। मैंने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सदन में वेतन के लिए आवाज उठाई है, फिर से आप मौका दीजिए, आपके वेतन में भी वृद्धि जरूर करूंगी। उसके बाद लघु सिंचाई मंत्री संतोष कुमार सुमन ने मनोरमा देवी के पक्ष में लोगों से वोट मांगा और कहा कि आप लोग डूबती नाव पर मत चढ़िए, क्योंकि अगर एक प्रत्याशी दूसरा बन भी जाता है तो आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता, सरकार से आपके हित में बिल पास नहीं करा सकता। वहीं मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव प्रभारी बनाकर भेजाई गई हूं, मैं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री भी हूं, जिसमें सभी प्रतिनिधि की मदद करूंगी, राशन कार्ड बनाने से लेकर अन्य मामलों में, इसीलिए आप लोग मनोरमा देवी की मदद करें जिससे वे आपके वेतन वृद्धि से लेकर सुरक्षा तक दिलाने में मदद कर सके। उन्होंने कहा कि आप इसके हाथों को मजबूत करें, मुखियागण की सुरक्षा की भी इन्हें चिंता है, वे भी सदन तक बात को पहुंचाएंगी। इस मौके पर नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि शंकर पासवान जी, जदयू के जिलाध्यक्ष द्वारिक प्रसाद जी आदि मौजूद। क्या उद्देश्य था यहाँ पे आने का? हमारे विधान परिषद के गया परिक्षेत्र के एनडीए के प्रत्याशी बहन मनोरमा जी हैं, उसी के प्रचार प्रसार के लिए और जो वोटर हैं उनसे अपील करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस चुनाव के प्रभारी भी हमको बनाया गया है नेता के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, पार्टी के द्वारा। उसी सिलसिले में हम लोग घूम रहे हैं और काफ़ी जो हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज व्यवस्था को जो मजबूत किए हैं, जो जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिए हैं, आरक्षण दिए हैं, उन सब को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। सिर्फ लगता है कि औपचारिकता बाकी रह गई है, इससे हम सब लोग काफ़ी उत्साहित हैं जो हमारे मतदाता हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज के और नगर निकाय के सभी प्रतिनिधि से अपील भी कर रहे हैं, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। इनके माध्यम से आप क्या कहेंगे कि विपक्षी जो हैं बोले कि हम अब अपना वेतन तब तक नहीं लेंगे जब तक पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन नहीं बढ़ जाए, वृद्धि ना हो जाए? विरोधी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अपना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पंचायती राज व्यवस्था में नगर निकाय में जो सबसे महिलाओं को जो आदि आबादी है उनको आरक्षण दिए हैं, अति पिछड़ा दलित आदिवासी समाज को आरक्षण दिए हैं, जिसके चलते जो हमारे वर्षों से शोषित पीड़ित थे उनको अधिकार दिए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर हम लोग जा रहे हैं। विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हम लोग सीधा विकास और पंचायत राज प्रतिनिधि को और नगर निकाय के प्रतिनिधियों का जो सम्मान, जो विकास, जो आरक्षण है, उस मुद्दा को लेकर। पंचायत प्रतिनिधि में खास करके मुखिया जो है अपराधी के शिकार हो रहे हैं, उनको बॉडीगार्ड भी देने की बात कही गई थी, तो इसके में क्या कुछ? देखिए सरकार सोच रही है, सब देख रही है, जरूर उचित निर्णय लेगी। ठीक। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।